गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर लेसन 11 द ओल्ड काकी। इसका मतलब क्या है? बूढ़ी काकी। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी काकी कॉल्ड काकी। काकी नाम की एक बूढ़ी महिला थी। शी क्रैप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। क्रैप्ट मतलब होता है खिसक कर चलना। वह खिसक कर चलती थी बिकॉज, क्योंकि हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक, क्योंकि उसके जो हाथ और पैर थे बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो, और उसके पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम। वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उसने अपनी सारी जायदाद उसके नाम पर कर दी थी, ट्रांसफ़र कर दी थी मतलब हस्तांतरित कर दी थी। रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड टू सन्स एंड अ डॉटर लाडली। और बुद्धिराम को के कितने दो पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? लाडली था। ठीक है, आगे चलते हैं। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी। लड़के जो थे वो काकी के साथ अच्छा व्यवहार कभी भी नहीं करते थे। नेवर बिहेव्ड मतलब अच्छा कभी भी व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज टू टीज हर अ लॉट। क्या करते थे? दे यूज टू टीज। वे उसे बहुत मतलब टीज करना, किसी को छेड़ना, वो उसे बहुत छेड़ा करते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी बहुत चिल्लाया करती थी पर उसे कोई नहीं सुनता था। लाडली वॉज ओनली वन हु हैड सिंपथी फॉर काकी। केवल लाडली ही, अकेली लाडली ऐसी थी जिसे काकी पर दया आती थी। इट वॉज एन ईवनिंग शहनाई वॉज बींग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। एक शाम बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। क्या था यह? उसके बड़े जो बेटा था उसकी सगाई थी, एंगेजमेंट की वजह से बज रही थी। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन। उत्सव मनाया जा रहा था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, और कढ़ाई में पूरियां तली जा रही थी, फ्राई की जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर। और घी और जो मसालों की सुगंध थी वो हवा में मतलब हवा में लहरा रही थी। तो इस तरीके का शादी का माहौल था। आगे चलते हैं। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम। काकी कहाँ पर बैठी थी? अपने कमरे में बैठी हुई थी। एंड इट वॉज डार्क इनसाइड, और अंदर अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज, और वो खस्ता और गर्मा गर्म पूरियों को सूंघ सकती थी, क्योंकि भाई खुशबू तो कहीं भी जा सकती है। वो कमरे में बैठी थी बट वो खस्ता की और जो गर्मा गर्म पूरियाँ थी उनकी स्मेल को सूंघ सकती थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटिंग बिफोर हर आइज। अब पूड़ियों की जो उसकी इमेजेस उसकी आंखों के सामने आ रही थी कि पूड़ियाँ बन रही होंगी ऐसे, इस तरीके से जैसे हम इमेज करते हैं, तो ऐसे इमेजेस उसके सामने आ रही थी। शी बिगैन टू मूव स्लोली एंड क्रैप्ड क्लोज टू द कढ़ाई। उसने धीरे से हिलना शुरू किया और कढ़ाई के पास मतलब जैसे वो सरक सरक के चलती थी रेंग कर पहुँच गई। वन रूपा सॉ काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई। जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के निकट बैठे देखा। रूपा कौन थी? बुद्धिराम्स वाइफ मतलब कि उसके बेटे की बहू। शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड शोक काकी विद बोथ हर हैंड्स एंड शाउटेड अब्यूजेज। तो उसने क्या किया? उसने अपना आपा खो दिया, मतलब वो बहुत गुस्से में हो गई और काकी को दोनों हाथों से हिलाया और जोर जोर से अब्यूजेज मतलब गालियाँ देने लगी। ठीक है, उन्हें हिलाने लगी और गालियाँ देने लगी। ओल्ड काकी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। लेकिन बूढ़ी काकी ने एक भी शब्द नहीं कहा। शी रिटर्न टू हर रूम। वह अपने रूम में वापस चली गई। शी फेल्ट इंसल्टेड, और उसने अपने आप को कैसा अपमानित महसूस किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द डिनर वॉज रेडी। क्या था? खाना तैयार था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। रात्रि भोज तैयार था और मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया था। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कोल्ड। काकी ने अपने कमरे में सोचा मतलब यह सोचा कि उसे नहीं जाना चाहिए जब तक कि उसको बुलाने के लिए कोई ना आए, है ना। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज
tempting, but no one came to call her for dinner. अब जो भोजन की मनोहर सुगंध थी वो उसे मतलब टैम्पटिंग कर रही थी, उसे ललचा रही थी, लेकिन उसे भोजन के लिए करने के लिए कोई भी बुलाने नहीं आया. थिंकिंग शी इज़ नॉट अ गेस्ट, वह यह सोचते हुए कि वह मेहमान नहीं है, दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, तो उसने सोचा कि उसे वह मेहमान नहीं है, उसे बुलावे की प्रतीक्षा जो उसे बुलावे की प्रतीक्षा होगी उसे कि कोई बुलाने आएगा, जैसे मेहमानों को बुलाते हैं. शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, उसने बाहर जाने का फैसला किया. शी क्रैप्ड इन टू द कोर्ट यार्ड बट बैड लक, वह रेंग कर आंगन में गई लेकिन दुर्भाग्य. आउट ऑफ द वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड, उसमें से एक मेहमान ने उसे देखा और उस पर चिल्लाए, हु इज दिस ओल्ड मैन, यह बूढ़ी औरत कौन है. वेयर वॉज शी कम फ्रॉम, यह कहाँ से आई है. बी केयरफुल, सावधान रहो. शी मे टच समवन, वह किसी को टच छू सकती है, तो इसलिए उससे मतलब दूर रहो, सावधान रहो. पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, अब जो पंडित बुद्धिराम थे वो क्रोधित हो गए. शी कॉट काकी, उसने काकी को पकड़ा विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से, एंड ड्रैग्ड हर इन टू द रूम, और उसे क्या किया, घसीट कर उसे कमरे में ले गया. सीइंग दिस लाडली फेल्ट रियली बैड, यह सब देखकर लाडली को बहुत बुरा लग रहा था. लाडली कौन थी, उसकी पोती. आगे चलते हैं. शी थॉट वॉट If Kaki had eaten before the guests, would she have eaten all the puris? यह देखकर लाडली को बहुत बुरा लगा था. उसने सोचा अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया होता तो क्या उसने सारी पूड़ियाँ खा ली होती. मतलब वो सोचती थी अगर काकी ने खा भी लिया होता मेहमानों से पहले तो वो क्या सारी पूड़ियाँ खा लेगी. It was 11 in the night. रात के कितने बजे हुए थे, 11 बजे थे. Everyone was sleeping. सब सो रहे थे. लाडली had not eaten her puris yet. लाडली ने अभी तक अपनी पूड़ियाँ नहीं खाई थी. She put them in her doll's basket and went to काकी's room. वह उन्हें अपनी गुड़िया की जो टोकरी में उसने डाला और काकी के रूम में चली गई. And said, और कहा, get up काकी, उठो काकी, I have brought puris for you. मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ. काकी asked, काकी ने पूछा, Has your mother sent these? क्या ये तुम्हारी माँ ने भेजी हैं? Lardly replied. Lardly ने कहा, No, it's my share. यह मेरी है, मतलब ये मेरा हिस्सा है. काकी finished all the puris. काकी ने सारी पूरियाँ ख़त्म की. But she was still hungry. लेकिन वह अभी भी भूखी थी. उसे भी मतलब और अभी भी भूख लग रही थी. काकी said to Lardly. काकी ने Lardly से कहा, Child, बच्चे, go to your mother and bring some puris. तुम अपनी माँ के पास जाओ और कुछ पूरियाँ और लेकर आओ. ले आओ. लाडली रिप्लाई. लाडली ने कहा, इफ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री. यदि मैं उन्हें जगाऊंगी तो इस समय अगर मैं जगाऊंगी तो वह बहुत गुस्सा हो जाएंगी. काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट. उसने कहा मुझे उस स्थान पर, काकी ने कहा मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां मेहमानों ने खाना खाया था. लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पेटल्स. लाडली उन्हें ले गई और उन्हें पत्तलों के बीच में बिठा दिया जहाँ पर पत्तल्स पड़े थे. काकी बिगैन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर द ओवर बाय द गेस्ट. काकी ने उस भोजन को खाने लगी जो मेहमानों ने छोड़ा था, जो गेस्ट जैसे छोड़ के चले जाते हैं प्लेट्स वगैरह में, तो वो उसे खाने लगी. जस्ट देन रूपा वोक अप. तभी क्या हुआ, रूपा जाग गई, उसकी बहू जाग गई. शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर. उसने अब अपनी लाडली को अपने पास नहीं पाया. शी वेंट आउट इन द कोर्ट यार्ड. वह बाहर मतलब कोर्ट यार्ड में उसे देखने के लिए एंड चली गई. एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पेटल्स. और उसने लाडली को वहाँ जो पत्तल्स पड़े थे उनके पास खड़ा हुआ देखा. काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग. काकी क्या कर रही थी, पिकिंग जो फूड बचा हुआ था, खाना बचा हुआ था, वो उसे खा रही थी, उठाकर खा रही थी काकी बचे हुए खाने को. रूपा वॉज स्टंट. रूपा क्या रह गई, रूपा को धक्का लगा. शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेंड हंग्री इवन ऑन अ डे ऑफ फीस्ट. तो उसे काकी के लिए बुरा लगा जो उत्सव के दिन भूखी रही जब इतने सारे लोगों ने पेट भर खाना खाया था. मतलब सब लोगों ने तो पेट भर के खाना खाया जब इनके यहाँ दावत थी, और वो काकी भूखी रही. वेयर सो मैनी पीपल्स हैड फूड टू देयर कंटेंट. ठीक है, काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसीज ऑफ पूरीज. काकी
ने ऐसा व्यवहार क्यों किया था? ऐसा किया था क्योंकि मतलब उसे कुछ पूरियों के टुकड़ों के लिए, मतलब कुछ पूरियां खाने के लिए उसने ऐसा व्यवहार किया था, क्योंकि वो भूखी रह गई थी। शी वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, मतलब वह स्तब्ध रह गई। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी आंखों से आंसू भर आए। इट वॉज ऑलरेडी मिड नाइट, अर्धरात्रि हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड, रूपा काकी के कमरे में खाना लेकर गई। विद टीयर फुल आइज शी सैड, नम आंखों से उसने कहा, क्या कहा उसने? गेट अप काकी, उठो काकी, आई कमिटेड अ ब्लंडर, मैंने क्या किया है? उसने कहा उठो काकी, मैंने आज आपको भोजन न देकर बहुत क्या किया है, बाय नॉट सर्विंग यू फूड, मैंने आपको आज भोजन न देकर बहुत बड़ी मूर्खता की है, मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड, इन शब्दों को सुनकर काकी का हृदय पिघल गया। शी फॉरगिव हर, उसने उसे क्षमा कर दिया उस अपनी बहू को। एंड बिगैन ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, और काकी ने उसे अपनी आत्मा से आशीर्वाद दिया। यह स्टोरी जो अडॉप्टेड की गई है वो बुद्धि काकी बाय मुंशी प्रेमचंद, यह किससे अडॉप्ट की गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, उनकी जो बुक है बुद्धि काकी, उससे अडॉप्ट की गई है स्टोरी से। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।